वालिया, तो जैसे ही आप सब लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स आते हैं और फिजिक्स का जहां सब्जेक्ट आता है और सबको बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा डर लगता है, ये हमेशा से टेंशन का सब्जेक्ट बना रहता है सब बच्चों के लिए कि सर फिजिक्स में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आप सब लोगों की इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ और आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फिजिक्स में बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और जो भी बच्चा इस समय स्टेज पे है कि भैया मेरा कुछ नहीं हो सकता फिजिक्स में तो मैं पक्का फेल हूँ, तो आपके पास अभी भी इतना सफिशिएंट टाइम है, इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, ताकि आप लोग इस वीडियो को देख लें और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आप लोगों ने उनको फॉलो कर लिया तो आप गारंटेड, मैं 102% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप पास हो जाओगे फिजिक्स में, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। बहुत सारे बच्चे मुझको मैसेज करते हैं कि सर मेरे को बस इतने बता दीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स में जिससे मैं 50 मार्क्स स्कोर कर लूँ आउट ऑफ 70। तो भैया आपने यदि इन टॉपिक्स को पढ़ लिया अच्छे से जो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो आपके नो डाउट अबोव 50 मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 70, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले छोटी सी टिप, स्ट्रेस नहीं लेने की जरूरत है, बाकी सब भूल जाओ और अपना बेस्ट देते रहो। ठीक है, करते हैं यूनिट वाइज, मैं आपको चैप्टर वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले यूनिट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखना हर साल आपको पता है कि डेरिवेशन पे भी फोकस करेंगे, कौन से थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं उन पे भी डिस्कस करने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 8 से 10 मिनट लेंगे बस आपके, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, देखो इक्वेटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल आते रहते हैं अल्टरनेट ईयर्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में, और उसकी जो डेरिवेशन है ER इक्वल टू 1/4πε0P/r³ और 2π/r² तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको डेरिवेशंस करनी है। देखो अभी आपको जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उनको खोलना है, जो भी आपके पास रेफरेंस नोट्स है उनको खोलना है, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ वो करके चले जाना, आप आराम से पास हो जाओगे वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, याद रखना इक्वेटोरियल और एक्सियल वाली डेरिवेशन करके जानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल एट वेरियस पॉइंट्स, इसकी जो डेरिवेशन है अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गॉज लॉ सबको पता है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जान है गॉज लॉ, तो ये तो भैया करके ही जाना है और इसकी एप्लीकेशन भी आपको करके जानी है। ठीक है, थिन इनफाइनाइट प्लेट शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेरिवेशन है ये भी आपको करके जानी है। ठीक है, देखो 7 to 8 मार्क्स इस यूनिट का वेटेज है और हर बार डेरिवेशन तो आना इस यूनिट से फिक्स है और एक छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, टॉर्क वाली डेरिवेशन भी आप कर सकते हो, पी साइन थीटा या पी क्रॉस ई, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरियस पॉइंट होगी, कैपेसिटेंस, देखो भैया कैपेसिटेंस से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलने के चांसेस है वहां पे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए, सीरीज और पैरेलल प्लेट जो भी है, और देखो सबसे ज्यादा प्रोबेबल चांस क्या है, देखो कैपेसिटर का एक न्यूमेरिकल आएगा, उसके अलावा क्या आएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डेरिवेशन, वो आपको करके जानी है। ठीक है, इतना सब कुछ कर लिया, सिर्फ 5 टॉपिक है भैया। देखो मैंने आपको बताया ये डेरिवेशन एक टॉपिक, चार्ज स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक कैपेसिटेंस बोल रहा हूँ, और पांचवा टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर लेना और भैया रट लेना, मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरा बहुत ज्यादा मतलब प्रोबेबल चांस है कि इस साल वेंडिंग ग्राफ जनरेटर पक्का आ सकता है। ठीक है, तो जो भी बोर्ड में हो आप और अच्छे से करके जाना, एक छोटी सी डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन तो क्या प्रिंसिपल होता है, कंस्ट्रक्शन होती है और एक छोटा सा डायग्राम होता है, वो आपको अच्छे से करके जाना है। आगे बात करते हैं यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी यहीं से स्टार्ट होती है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, 3 मार्क्स में डेरिवेशन पूछते हैं, आई इक्वल टू NEAVD, ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, जिस बच्चे को नहीं आती तो बता देना मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको करके जाने हैं और उम्मीद है सब बच्चों को आते होंगे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। जिस बच्चे को भी लगता है कि मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है तो प्रीवियस ईयर यदि आपने क्वेश्चन कर लिए आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड के तो भी आप आराम से पास कर जाओगे। भैया पोटेंशियोमीटर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हीट स्टोन ब्रिज, ये दोनों मिला के मतलब इस यूनिट से पता बनता क्या है, मेनली ये करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट की डेरिवेशन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन पे न्यूमेरिकल बनता है, एक पक्का आने के चांसेस है, पोटेंशियोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज। और देखो भैया एक यदि पेपर आपका हल्का सा थोड़ा सा टफ आया तो टफ कहां से बनेगा, इस टॉपिक से बनेगा, कन्वर्जन ऑफ एमीटर टू गैल्वेनोमीटर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एमीटर को गैल्वेनोमीटर पे, इस वाले टॉपिक को बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं पर आपको नहीं छोड़ के जाना है क्योंकि मैंने आपको बता दिया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको ये टॉपिक भी करना है। ठीक है, अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट ऑफ मैग्नेटिज्म, बायो स्वर्ट्स ला, सारी दुनिया को पता है बायो स्वर्ट्स ला कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्पियर सर्किट ला,
अब मैं इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं तो साइक्लोट्रॉन एंड हिस्टेरिसिस कर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रट के जाना है आपको, ये मान के चलना है कि मेरे अब जो एक डेढ़ महीने बाद आपका जो पेपर है उसमें ही पक्का पक्का आ रहा है, आपको ये मान के चलना है और आप इन दोनों टॉपिक्स को तो करके जाना है, साइक्लोट्रॉन और हिस्टेरिसिस कर्व। ठीक है, टॉर्क निकालने वाली जो डेरिवेशन है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये मैं देखो आपके हिसाब से और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो बहुत ज्यादा प्रोबेबल चांसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको करके जाने हैं, और वो ये सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगली यूनिट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ईएमएफ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, दो दो लाइन की डेफिनेशन है, अच्छे से करके जाना। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पीक एंड आरएमएस वैल्यू करंट पता होना चाहिए, एलसीआर सर्किट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलसीआर सर्किट इज अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर, एलसीआर सर्किट करना है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पढ़ना है, एलसीआर में देखो अलग अलग करना है कि एल सी और आर, और एक कॉम्बिनेशन वाला जो सर्किट बनता है उसको भी पढ़ के जाना है, एलसीआर कुछ नहीं होता, तीनों को जोड़ देते हैं। ट्रांसफॉर्मर अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट, ट्रांसफॉर्मर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसफॉर्मर, आपको पूरा उसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो सब आपको पढ़ना है, कैसे वाइंडिंग्स होती है, छोटा सा डायग्राम होता है वो अच्छे से नोटबुक में अपने घर पे ही बना के देख लेना, वरना एग्जाम में भूल जाओगे वाइंडिंग कैसी थी, करंट की डायरेक्शन कौन सी थी। ठीक है, तो वो आपको इंपॉर्टेंट है, करके जाना। आगे बढ़ते हैं, अगली यूनिट है जो ईएम वेव्स, बहुत फ्री की यूनिट होती है, एकदम फ्री की यूनिट होती है और बहुत छोटी सी यूनिट है, करीबन आधा घंटा भी आपने इस यूनिट पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपको फ्री के मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। और जिस बच्चे को लगता है कि सर ये मैं आधा घंटा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता क्या पढ़ना है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इस यूनिट को तो अभी पढ़ा दूंगा आपको, दो ही दिन में पढ़ा के वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, टेंशन ना करना, इस यूनिट से इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो दो ही टॉपिक है इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट करंट और ईएम वेव्स, क्योंकि नाम ईएम वेव्स है तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डेरिवेशन एक छोटी सी डेरिवेशन है, जिस बच्चे को वो नहीं पता तो मेरे को बता देना कमेंट करके, मैं वीडियो बना दूंगा। और क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, जितने भी ईएम वेव्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज, एक एक लाइन की प्रॉपर्टीज है वो आपको याद करके जानी है, डायरेक्ट आएंगी। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इससे बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, छोटी यूनिट है, बस ये टॉपिक आप पढ़ लेना। आगे बात करते हैं ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा वेटेज है इस यूनिट का। ठीक है, तो आपको इस यूनिट में बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करना है, क्या करना है देखो, इसमें रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है। मैं आपको रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो लेंस मेकर फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिफ्रैक्शन की जो मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म, अभी वेव ऑप्टिक्स में आ गया, वाईडीएससी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाईडीएससी तो मतलब हर साल आता ही आता है, कहीं ना कहीं यहाँ तीन नंबर में आ जाएगा, कहीं पांच नंबर में आ जाएगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन यूजिंग सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट अपने सिलेबस में तो आप वो पढ़ना। पोलराइजेशन क्या होता है, डेफिनेशन आएगी छोटी सी डायग्राम के साथ, आपको पता होनी चाहिए। मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म, ये डेरिवेशन भी एक आपको करनी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको क्या करना है, सिर्फ पांच टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि बोर्ड में आ जाता है बच्चे छोड़ देते हैं, तो आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप भी पढ़ना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, लिखा नहीं यहाँ पे, पर आप पढ़ के जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, अब बहुत छोटी छोटी सी यूनिट हो गई। ठीक है, अभी तक मेन पोर्शन आप इतना भी कर लिया ना, जितना अभी तक मैंने आपको बताया है कि नो डाउट आप आराम से पास कर जाओगे, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, यूनिट 7, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और डी ब्रोगली इक्वेशन, बस ये दो टॉपिक आप पढ़ लेना। देखो जिस बच्चे का 11th पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपने वहां केमिस्ट्री का यूनिट 2 में पढ़ा होगा, वही सब चीजें यहाँ पे भी आपको पढ़नी है, काइंड ऑफ रिविजन टाइप की यूनिट है। ठीक है, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होती, जिस बच्चे ने 11th में ज्यादा पाप नहीं किए होंगे, यदि 11th में पाप कर रखे हैं तो क्लास 12th में अब यहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि दो तीन महीने बाद आपका एग्जाम भी है, रिस्पेक्टिव जेईई मेंस नीट के आपके एग्जाम से, उसमें भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, फ्री की यूनिट है। ठीक है, फ्री की यूनिट है, मेहनत करने कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दिलाएगी। ठीक है, इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि पढ़ के जानी है। अगली यूनिट की मैं बात करूँ तो भैया देखो दो टॉपिक अगेन बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पढ़ने को बहुत सारा आप कुछ पढ़ सकते हो, बट टाइम कम है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को लग रहा है कि सर हम पास नहीं हो सकते, अब तो पक्का फेल है, तो उन सब बच्चों के लिए बहुत मतलब ये वीडियो रामबाण हो सकती है। इतना कर लिया, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप पास होने वाले हो। अब बात करते हैं इस यूनिट से, एक डेरिवेशन होती है एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, केमिकल काइनेटिक्स, यूनिट 4 केमिस्ट्री में बात करूं तो उसमें भी आपको ये पढ़ाई जाती है, वहां से भी देख सकते हो, और फिजिक्स में भी है ये। और एक्सप्रेशन ऑफ रेडिएशन इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जो भी इसकी डेरिवेशन, एक छोटी सी डेरिवेशन होती है, वो एक्सप्रेशन आपको याद करना है, छोटा सा न्यूमेरिकल बनेगा, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल होता है। वंस अगेन क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, ये डेरिवेशन तो आपको क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स में भी बताई जाती है, इन द पोर्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया लास्ट की दो यूनिट, लास्ट की दो तीन यूनिट्स मतलब बच्चे इतना ज्यादा डरते हैं ना, मतलब लगता है कि सर ये पता नहीं कौन सी यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पता नहीं कौन से गोले से बन के आई है। देखो बहुत आसान यूनिट होती है, समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मैं मानता हूँ कि आपको भैया कौन सा एम्पलीफायर है, कौन एमिटर है, कौन बेस है, सर कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता क्या है, ठीक है। और लास्ट यूनिट कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें भी सर हम तो पढ़ते ही नहीं, हमारे टीचर ने भी बोल दिया कि भैया पढ़ लेना जहाँ से भी पढ़ना चाहो, हम नहीं पढ़ा रहे, मानते हैं ऐसा बोलते हैं, आपको टेंशन नहीं करनी। उन सब टेंशन को दूर करते हुए मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, क्या करना है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की डेरिवेशन और कॉमन एमिटर वाली, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर आप पढ़ के चले जाना, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाने वाला है। एक जिनर डायट पढ़ के चले जाना, छोटा सा ग्राफ होता है कट ऑफ पोटेंशियल का और ये सब, और इसका एक सुंदर सा डायग्राम होता है, रूम पे बना के प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में जब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा तुरंत आप बना देना, फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखो ये यूनिट भी थोड़ा सा वेटेज रखता है, देखो बड़ी यूनिट है मैं मानता हूँ, बट अब मैंने आपको यहाँ पे अभी तक सिर्फ दो टॉपिक्स बताए हैं। एक रिक्वेस्ट और करूंगा, लॉजिक गेट बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने आपको, लॉजिक गेट आपको पता होना चाहिए, जोर नोर एंड नैन जितने भी ये तीन चार टाइप के गेट्स हैं आपको पता होना चाहिए, इनका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉजिक गेट आपको पढ़ के जाना है, जिस बच्चे को नहीं आता तो बता देना, वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। यूनिट 9 से आपको पढ़ के जाना है, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। यूनिट 10 की मैं बात कर लेता हूँ, तो कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो बहुत सारी चीजें होती है इसमें पढ़ने के लिए, मन भी नहीं करता इस यूनिट को पढ़ने के लिए, जिस बच्चे को डाउट लग रहा है कि सर नहीं पढ़ सकता मैं, तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बता देना, मैं यूनिट आपको पढ़ा दूंगा विद इन जस्ट मतलब 15 से 20 मिनट में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरी यूनिट कवर करवा दी जाएगी, ठीक है। और बच्चों को लग रहा है कि सर अभी हम खुद से पढ़ सकते हैं, तो खुद से पढ़ने के लिए आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। AM/FM एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपको ये टॉपिक पढ़ना है। ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव, ये क्या होती है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है, छोटी छोटी डेफिनेशन होती है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर कुछ टॉपिक्स तो रह गए, हमारे सर ने कुछ और बताया था, भैया हो सकता है आपके सर ने कुछ और बताया, मैं ना नहीं कर रहा, देखो मेरे हिसाब से जो मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जिन बच्चों को लग रहा है कि सर कुछ नहीं हो सकता हमारा फिजिक्स में पक्का फेल है, मैं बता रहा हूँ ये सब टॉपिक्स पढ़ के चले जाना, दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती, आप डेफिनेटली पास होने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सब बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी फिजिक्स में, और जो जितनी भी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी करूंगा, जो भी टॉपिक्स आपको अभी भी दिक्कत आ रही छोटे छोटे पोर्शंस में तो उनको कमेंट के अंदर बता देना, मैं उन टॉपिक्स पे पर्टिकुलर टॉपिक्स पे छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी और हेल्प हो जाए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ सब बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।